कि उनको तो धन ही सब कुछ लगता है। हाँ, उसका धन छीन लेता हूं, चलो कोई बात नहीं, छीन लोगे हम द्वारा कमा लेंगे। बोले नहीं, करोमि बंधु विच्छेदम, घर में झगड़ा पैदा करा देता हूं, सब धक्का दे के निकाल देते, जाओ जाओ वृंदावन में, यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, बंधु विच्छेद करा देता हूं। चलो कोई बात नहीं, हम कहीं भी सुख पूर्वक रह लेंगे। कहते और ज्यादा कृपा करता हूं तो कोई दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देता। सच कष्टेन जीवती, वो सुखेन जीवती नहीं, सच कष्टेन जीवती। अर्जुन ने पूछा कि जय जय सरकार, क्या दुश्मनाई है आपकी भक्तों से जो ऐसा व्यवहार उनके साथ करते हो? भगवान बोले देखो अर्जुन, प्रेमी का एक स्वभाव होता है, वो चाहता है कि जो हमसे प्रेम करने वाला है ना, ये और दूसरे से न करे, केवल हमसे ही करे, ये उसकी इच्छा होती है। संसार में भी देखा होगा आपने, जो संसार में तो प्रेम कहीं है नहीं, फिर भी कहीं प्रेम का नाटक है, तो वहाँ भी नाटक करने वाले यह प्रमाणित करते हैं कि हमारा तो तुमसे ही पूरा प्रेम है और हमारा कहीं दूसरी जगह लगाव नहीं है, ऐसा प्रमाणित करना पड़ता। कल भी हमने चर्चा की थी, गृह सुयोषित पुरुषश्च वंचिता। अब ठाकुर जी क्या, तो नकली नाटक तो चलने वाला है नहीं, और जीव धन से प्रेम करता ही है। भगवान कहते हैं जिस जो प्रीति का विषय है उसी को नष्ट कर देते हैं, परिवार से प्रेम करता उसको नष्ट कर देते हैं, सुख सुविधाओं से प्रेम करता उसको नष्ट कर देते हैं, और महाराज जी शरीर से प्रेम करता तो शरीर को बिना किसी काम का बना देते हैं, रोगी रोगी बना देते हैं। अब वो सब जगह से नाराज हो जाता, कहता बस अब तो बिहारी जी ही हमारे हैं और दुनिया में कोई हमारा, बिहारी जी कहते बस यही तो हम सुनना चाहते थे कि अब कोई दूसरा हमारा नहीं है, अब हम भुजाओं में भरकर हृदय से लगाने के लिए तैयार हैं। तो महाराज ठाकुर जी जब ज्यादा कृपा करते हैं तो ऐसा ही करते हैं।